ब्लैक वीक का एक और महत्वपूर्ण मुकाबला, नंबर 8 नंबर 6 नहीं, ये अंक आपको या कहिए स्पॉट आपको संतोष नहीं देता है। आज दोनों कप्तानों को जो चाहिए था वो मिल गया पार्थिव। गुजरात टाइटंस टॉस जीत गया गेंदबाजी की, ऋषभ ने कहा गुड टॉस टू लूज, हमें तो वैसे ही बैटिंग ही करनी थी। रिद्वान साहा, शुभमन गिल, डेविड मिलर, एवतिया जिन्होंने मैच विनिंग पारी खेली थी पिछले मैच में, दिल्ली कैपिटल्स पृथ्वी शॉ, रजम अगर्क, अभिषेक पोरेल, ऋषभ पंत, स्टार्स, ये बैटिंग ऑर्डर क्या होगा वो एक मिस्ट्री है। 7 इनिंग में 2,681 रन बना चुके हैं युवा प्रतिभाजनों ने, सबको प्रभावित किया इस साल अपने बैटिंग से। अजमतुल्लाह उमरजाई ऑलराउंडर, बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं। पहली गेंद और पहला चौका, और शॉ ने मारा पृथ्वी पकड़ शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है। अरे बहुत ही रोचक रोमांचक घटना है ये, 6 घटा है इसमें। बैट के थोड़ा सा लगा कि शायद नीचे लगी है, पर क्या ही फर्क पड़ता है। वो पृथ्वी ने इस वाली गेंद को तो थोड़ा आकाश में भेजा, बढ़िया शॉट जेक फ्रेजर मगक, 6 के साथ ये ओवर समाप्त। ऊंची तो बहुत गई है, पीछे फील्डर है जरूर, पकड़ लिया भाई नूर अहमद। ये फाइनली जेक फ्रेजर मगक अपना विकेट गवाते हैं, संदीप वॉरियर के खाते में सफलता आती है, गुजरात के खाते में सफलता आती है। मगर ने बनाए 23, डीसी 35 पे एक, 2,602 रन बना चुके, 134 स्ट्राइक रेट। अक्षर पटेल पीछे फील्डर, व्हाट अ कैच, व्हाट, ये क्लेम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं देख लेते हैं, वरना ही इज आल्सो 50-50। Yeah, I could see the right hand fingers underneath the ball. Satisfied, fingers underneath. I made my decision for the big screen. तीसरे अंपायर का निर्णय था कि गेंद वो पृथ्वी को टच ही नहीं की है। पृथ्वी शॉ आउट हुए 11 रन बना के, डीसी 36 पे 2। गेंद अच्छी थी पर शॉट भी उतना अच्छा था। अरे नूर आगे डाइव मार के कैच पकड़ा था, और इस बारी राशिद खान, 6 योग 5 रन, डीसी 44 पे 3। ऋषभ पंत स्ट्राइक रेट 145 का, 4,608 रन, 4 रन मिलेंगे वहां पे। यहां पे वो हल्का सा अवसर मिला था स्लॉट वाली गेंद, जोखिम भरा शॉट जरूर था लेकिन 6 रन मिले, कमाल की टाइमिंग। नूर दोनों तरफ से स्पिन और अपने ही अंदाज में स्वागत किया है। गैप में, गैप में कितना समय मिला था नूर, क्रीज छोड़ी जरूर थी लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर जो है वो गेंद डाल दी और बाल बाल बचे ऋषभ। चलिए हाफ चांस जो मिला उसको फिर उसके बाद वो छक्के में तब्दील किया। इनसाइड आउट, ताकतवर स्ट्रोक, गैप में चौका लीजिए, विकेट लेने की वो तलाश थी और 6 रन वहां पे। फिर से बैकफुट पे और वो 4 रन मिलेंगे चौके के साथ, वो और शतक भी पूरा हुआ, 3 नंबर पे आए थे और कमाल की पारी खेली है। क्या बात है, 6 रन, क्या गजब शॉट मारा है ये। ओ इस बार ये कहां गई, वो अंबेडकर स्टेडियम की तरफ गई है गेंद, पीछे फील्डर साई किशोर के हाथ में गई गेंद। नूर को मिला अपना पहला विकेट आज का, अच्छी पारी खेली 66 रन की,
डीसी 157 पे चार, 1677 रन। ये डगआउट से सेट होकर आए हैं, पहली गेंद पहला चौका। ये देखो गई गेंद थोड़ी ऊपर की तरफ और देकर गई है छे, कप्तान ने कल्याण किया है, एक और अर्धशतक अपने नाम किया है। ऋषभ ताबड़तोड़ पंत, इस सीजन का तीसरा अर्धशतक। ड्राइव कड़क, ये फुल टॉस गेंद और ये भी गई है, फिर जोर से मारा है, फिर चौका है। ये वो पुराने किले की तरफ गई है, 22 रन का 19वां ओवर। ये हाथ से गेंद निकल जा रही है, हाथ से मैच निकल जा रहा है। वाओ, इस गेंद को भी ये तड़ी पार किया है, बहुत ही ऊपर गई है ये और दूर भी खास गई है। 73 रन्स इन 4 ओवर्स। दिल्ली के लिए गेंदबाजी करते हुए ऑनरिक नोकिया ने 32 खाए थे, वो मुंबई की कहानी थी, लेकिन यहां ऋषभ पंत ने 31 रन लगा दिए मोहित के आखिरी ओवर में, 224 पे पहुंचा दिया है स्कोर को। अब जीत के लिए चाहिए 225 रन, आपके पास है 20 ओवर का समय। रिद्धिमान साहब 128 का स्ट्राइक रेट और वहीं पे शुभमन गिल, दिल का मामला है। खलील पारी की शुरुआत करेंगे, 134 विकेट, दो स्लिप के साथ शुरुआत, चौके के साथ स्वागत है फाफले पटेल का भी। ये भी फॉर्म ढूंढ रहे ऑनरिक नोकिया, टाइमिंग प्योर टाइमिंग। शुभमन गिल मिस टाइम किया वहां पे, बॉटम हैंड नीचे से निकल गया, बड़ी विकेट ऑनरिक नोकिया अपने पहले ओवर में सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए। शुभमन गिल ने बनाए 6, जीटी 13 पे 1। संदीप वॉरियर के स्थान पे साई सुदर्शन, बतौर इंपैक्ट प्लेयर। पहली गेंद पे और 6 रन, फाइन लैग नहीं पहुंच पाएगा, 24 पे 1। 4 रन, स्टंप्स की तरफ गेंद थी इसलिए मिड विकेट की ओर, बैक टू बैक बाउंड्रीज। स्लोअर बॉल और निचला हाथ हट भी गया था, लेकिन फिर भी 6 रन वहां पे मिले। छक्का यहां मारा था पिछले ओवर में और उसी पेस का इस बारी इस्तेमाल भी किया, इस बारी तो स्टेप आउट करके शायद पढ़ लिया था स्लोअर बॉल आने वाली है। बैट के निचले भाग में लगी, बापो, कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि फंबल हो रहा था, कंट्रोल कर लिया था, लेकिन अंत में जब गिरे तो गेंद हाथ से निकल गई। कमाल का ये वो पंच नजर आया, मिड ऑफ के ऊपर से वो सिर्फ टाइम किया, ये शॉट अच्छा है। यहां पे तो खैर चौका है साई सुदर्शन का, चौका यहां पर साई सुदर्शन के बल्ले से, उसका देखो और अच्छा शॉट, फील्डर वहां पे है पर उनकी पहुंच से दूर। चलिए कुलदीप यादव ने ही तो करना था, कुलदीप और साहा के इस कॉन्टेस्ट का वेट किया था हमने और रिद्धिमान साहा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया कुलदीप ने। रिद्धि ने बनाया 39-25 गेंदों में, जीटी 95 पे 2। ये भी गेंद अच्छी थी, अब दो मांगे हैं, दो मिल भी जाएंगे साई सुदर्शन। इस सीजन की इनकी पहली 50 है, मात्र 29 गेंदों में आई है और गुजरात को अभी भी जीवित रखा है। वेल प्लेड साई। अक्षर पटेल
क्या मौका मिलेगा, मौका मिलेगा अक्षर पटेल को जी, बिल्कुल आसान कैच नहीं था, बहुत ग्राउंड कवर किया, गेंद आगे गिर रही थी और आगे की तरह डाइव मारा, बॉल का ये कैच फैजल मगर द्वारा। उमर जाई एक रन बनाकर आउट, टाइटंस 98 पे 3। 49 और शतक T20 करियर में, फ्लैट फ्लैट पैरेलल, कमाल की टाइमिंग वहां पे, 109 पे 3। कुलदीप यादव टॉप एज गैप में स्टेप आउट करके कोशिश जरूर की थी लेकिन इस बारी चूक नहीं होगी। अक्षर पटेल अच्छा कैच वहां पे, पहली विकेट वहां पे रसिक द्वारा, उन्होंने बनाए 65, GT 121 पे 4। शाहरुख खान जैसे बल्लेबाज जो जाने जाते हैं अपने बड़े शॉट्स खेलने के लिए। चलिए करारा जवाब शाहरुख खान का, कोई मौका नहीं। चलिए वशिक और कमाल का वो कैच, अपने IPL के करियर में ये दूसरी सफलता, अच्छी गेंदबाजी और कमाल का कैच। शाहरुख खान 8 रन बनाकर आउट, GT 139 पे 5। राहुल टिवाटिया 4 रन यहां पे मिलेंगे। कमाल कैच पकड़ा एक और, ऋषभ पंत द बैटर, ऋषभ पंत द कैप्टन, द कीपर, सब कुछ आज तो सर्व गुण संपन्न नजर आए हैं कप्तान ऋषभ। अब 4 ही ओवर का बचा है खेल, रन चाहिए 73। क्या बात है, वन बाउंस चौका, ओवर कवर्स, डेविड मिला, क्या बात है, उसमें एक और 6 ऐड कर दीजिए। और जान झोंक दी यहां पे, वो 6 होप थे।